एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो पार्ट वन में हमने इतना आपको ब्लाउज़ बनाना बताया था, हाफ ब्लाउज़ बनाना बताया था। अगर आप इसमें स्लीव्स बनाना चाहते हैं, बाजू बनाना चाहते हैं, तो आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बाजू बनाना बताएंगे। तो आप फुल लेंथ की भी बाजू रख सकते हैं, आप जो पौन आस्तीनें होती है ना उतनी भी रख सकते हैं। और वैसे जो हाफ ब्लाउज़ है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी बाजू बनाना सीख लेते हैं। तो बाजू बनाने में कुछ नहीं है, डिज़ाइन सेम जो पार्ट वन में हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। और लेंथ पूरी करने के बाद ये बॉर्डर हमने बना लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ इसकी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इस जगह पर हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ऊन को ज्वाइन करेंगे। बीच में सेंटर में हमें ज्वाइन करना है और तीन चेन बनानी है, ठीक है। तीन चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन अपना देखेंगे, जैसा डिज़ाइन चलेगा वैसे ही हमें बनाना है। तो तीन चेन बनाने के बाद एक फंदा हम सादा बनाएंगे, सादा डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। के बाद हम एक फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। जब आप पार्ट वन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर एक सादा डबल क्रोशिया बनाना है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए। फिर एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सादा डबल क्रोशिया बनाना है और एक फ्रंट पोस्ट जो आपको दिखेगा फंदा उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसी तरीके से हम बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पूरी रो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, फिर दिखाते हैं आपको। पूरी रो बनाने के बाद जो हमने तीन चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन कर लिया। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी रो, स्टार्ट करेंगे एक दो तीन, तीन चेन लेकर। अब इसके पास वाला फंदा हमने सादा बनाया था तो सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक सादा फंदा बनाएंगे हम सादा डबल क्रोशिया, फिर जो आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से हमें बाजू बनाने कुछ नहीं करना है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको रिपीट करते जाना है और इस रो को हम कंप्लीट करके फिर यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं। रो इसी तरीके से हम बनाएंगे और लास्ट तक ऐसे ही लेकर आएंगे, ठीक है। अब हमने पूरी रो बनाने के बाद यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, तो जो तीन चेन बनाई थी उसमें डाल के इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। अब हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे, थोड़ा बना लेंगे फिर हम फंदे घटाएंगे। तो अब देखिए फंदे कैसे हम आपको समझा दें पहले अच्छे से, देखिए। देखिए इसको थोड़ा हम बुन लेंगे, पांच छह लाइन बुन लेंगे, उसके बाद जब फंदे घटाएंगे तो फंदे घटाने का हम तरीका आपको बताएंगे कैसे घटाना है। तो हमें साइड से ही फंदे घटाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चार पांच लाइन के बाद फंदे घटाना स्टार्ट किया था, इतना इतना बुनने के बाद फंदे घटाए हैं यहाँ से देखेंगे आप। तो इस तरीके से शेप आई है बाजू की, तो फंदे कैसे घटाने हैं वो हम आपको बताते हैं।
देखिए हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में घटाने हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे घटाएंगे, सबसे पहले तीन चेन बना ली, चार पांच रो बनाने के बाद घटाएं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे घटाने हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है, बट लास्ट के दो फंदे रहने दिए। अब ये फ्रंट पोस्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें हम बनाएंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। तो एक फंदा हमारा इस साइड से घट गया। फिर से देखें, हम फिर से दिखाते हैं आपको। डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बट लास्ट के दो फंदे रहने देंगे, ठीक है। अब इसके पास में जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें डाल के सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो एक फंदा हमारा इस साइड से घट जाएगा, एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। और दूसरे साइड में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा कम हो गया, एक फंदा हमें इस साइड से कम करना है। यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। तो अब जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बनाना है। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट अगर दिखेगा, सादा फंदा दिखेगा उसको सादा बनाना है। जो फंदा फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसी तरीके से हम बनाते हुए दूसरी साइड में लेकर आएंगे। तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा बाजू कैसे बनानी है। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देखें। पार्ट वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी रो को हम कम्प्लीट करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे क्या करना है। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, लास्ट के दो फंदे हमारे पास रह गए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे बट लास्ट के दो फंदे रहने दिए और इसमें डालेंगे, इसको एक साथ निकाल दिया। यहाँ से फिर से तीन चेन बनाएंगे, ठीक है। तो एक एक फंदा दोनों साइड से हमारा कम हो गया है। इसी तरीके से हमें फंदे कम करने हैं। अब इसमें डालेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे बट लास्ट के दो रहने दिए। फिर इसके पास वाले में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। फिर से इसी तरीके से हमें फंदे कम करने हैं। तो लगातार आप कम नहीं करें, एक दो रो बुनने के बाद कम करें। स्टार्टिंग में चार रो बुन लें, उसके बाद फंदा कम कर लें, फिर दो रो बुन लें, फिर फंदा कम कर लें, फिर दो रो बुन लें। इस तरीके से आप फंदे कम कर लें। और अगर आपको फंदे ठीक लग रहे हैं तो आप सादा बुनते चले जाएँ। और यहाँ तक जब आपके कम हो जाएंगे फंदे, यहाँ तक, ठीक है, इतना हो जाएगा जब आपका, उसके बाद आपको एक सा बुनते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको कम करते जाना है, फिर बाद में आपको फंदे नहीं कम करने, एक सा बुन लें यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको फंदे कम करने हैं, इसके बाद आप एक सा बुन लें। और लास्ट में हम आपको बॉर्डर बनाना बताएँगे, तो पूरी बाजू बनाने के बाद दिखाते हैं। बाजू की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग करें। आपको पौन आस्तीन रखनी है तो उतना बुन लें, अगर आपको फुल लेंथ रखनी है तो फुल लेंथ का बुन लें। तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ इसकी बढ़ाएं। अब हम लास्ट में आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे, क्योंकि मैं इस स्वेटर को हाफ रखने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको बनाना बता रही हूँ बाजू कैसे बनानी है, बट मैं इसको हाफ रखूँगी और आप लोग, आपका चॉइस है, आप फुल लेंथ का भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर कैसे बनाना है, हमें चार रो का बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक चेन ले, सबसे पहले इसको हम स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। अब हम एक चेन लेकर फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी भी चेन दिखेंगी, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को पूरा करना है, ठीक है। जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बनाएंगे। पूरी रो को बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ तक हम पूरा लेकर आएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर से एक चेन लेकर फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, हम टोटल चार रो सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे।
अभी हमारी ये दूसरी रो चल रही है, हम टोटल चार रो बनाएंगे। तो आप बॉर्डर ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप छः रो बना लें। तो हमने ये पूरी बाजू बना ली, इसी ही आप दूसरी बाजू बना लें। और पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जाके देखें। किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं वो हम आपको बता दें। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके साइड में ऐसा बटन दिखेगा, जैसे ही आप उस बटन को टच करेंगे तो जो बॉक्स खुलेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लें। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएँ। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।